हे गाइस व्हाट्स अप यार, दिस इज थारा भाई जगंदर। बाय द वे गाइस, मैं आज इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो कवर करने वाला हूं। इसके पहले मेरा इंट्रो भी दे देते हैं। हे गाइस व्हाट इज अप यार, दिस इज क्रिश फ्रॉम त्रिपुरा। एंड गाइस, मैं आप लोगों के फिर से कोई ओपी न्यूज। बेसिकली गाइस, ये थारा भाई जोगिंदर के ऊपर अब फुल वीडियो होने वाला है। जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है इसके ऊपर वही सब कवर करने वाला हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड रखते हो तो डेफिनेटली वीडियो को अंत तक देखना। तो गाइस बेसिकली हुआ क्या, अभी थारा भाई जोगिंदर के ऊपर बहुत सारे वीडियो एक साथ यार अपलोड हो रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले पहले मतलब बहुत दिन पहले पहले एक एक या फिर कोई दो तीन यूट्यूबर करते थे, लेकिन अभी अचानक बहुत सारे यूट्यूबर एक साथ यार वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। जैसे आप लोग स्क्रीन पे देख ही सकते हो, मैं इधर स्क्रॉल करके आप लोग दिखा रहा हूँ। इसमें से जो लक्ष्य धन सम्राट ये सब बहुत सारे यूट्यूबर एक साथ यार अपलोड कर दिया। तो इसके ऊपर ही थारा भाई जोगिंदर को कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आ गया। देन वो भी यार अपने इंस्टाग्राम स्टोरी IGTV पे एक वीडियो अपलोड किया है, तो उसका मैं कुछ एक छोटा सा पार्ट प्ले कर देता हूँ। यूट्यूबर लक्ष्य चौधरी, थारा भाई जोगिंदर को रोस्ट तू ही मार रहा है ना? अरे वो अंडे सी शकल के, तू रोस्ट मारेगा? तू खुद ही एक अजूब है अपने आप के लिए, तू पब्लिक को रोस्ट मारता है। तूने थारा भाई जोगिंदर की वीडियो को रोस्ट मारा है? अबे रुक, रिप्लाई सुनिए अच्छी तरह। अब तुम्हारे ये छपरी यूट्यूबर के लिए ना मार्केट में आ गया है नया दादा। ये रोस्ट नहीं कर रहे, ये मजाक चल रहा है, मजाक यूट्यूब के अंदर। पापा को रोस्ट मारना नहीं सिखाते? तू मेरा डायलॉग कॉपी कर रहा है, तू मान रहा अपने आप को यूट्यूबर? अगर तू असली यूट्यूबर होता ना, अपना कंटेंट लेके आता मार्केट के अंदर, कॉपी नहीं मारता थारा भाई जोगिंदर का। कान खोल के सुन लियो, जितने भी छपरी है इनके साथ के दो तीन बंदे, जिसने मेरे को रोस्ट मारा है एक एक को बजाऊंगा। तेरे को मैं देखता हूँ, तेरा फिल्म अगर फ्लोप ना कर दी ना मार्केट के अंदर, मेरा नाम बदल दिए सोशल मीडिया के अंदर, आजिए आजा यूट्यूब के अंदर, देखो कितना बड़ा रोस्टर है। छपरी तू है, छपरी मैं ना हूं, मैं तो तेरी क्या क्या ले रहा हूँ तेरे सामने। तुमने बहुत बंदे देखे होंगे, तुमने बहुत टिकटॉकर के ऊपर रोस्ट मारा होगा, बहुत इंस्टाग्राम के रील्स के बंदों पर रोस्ट मारा होगा, पर बेटा इस बार मार्केट में थारा भाई जोगिंदर से गलत भिड़ गए तुम, बहुत गलत भिड़ गए। तुम्हारे कपड़े तार दूंगा माँ की कसम खा। तो इसके ऊपर लक्ष्य ने अपने इंस्टा पे और स्टोरी डाला, इसीलिए कि मतलब काइंड ऑफ पोक ट्रोल करते हुए कि जोगिंदर ने रोस्ट कर दिया तो अभी मेरा चैनल भी डिलीट करना पड़ेगा रे बाबा। तो इसके बाद देन लक्ष्य सम्राट देन ये लोग इंस्टाग्राम पे लाइव आए थे, तो उधर ही थारा भाई जोगिंदर को भी ऐड किया था। देन उधर पे भी कुछ पंगा हो गया था मतलब इसी बात को लेके, तो उस लाइव का भी मैं एक छोटा सा पार्ट आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो देख सकते हैं। अरे भाई तुम्हारा मैटर क्या है, रोस्टिंग वोस्टिंग का परमिशन लेते हो नहीं लेते किसी से? नहीं। अब बताइए, खजूर सी शकल का भी मेरे को रोस्ट मार रहा है आज के टाइम में, यार हद होगी लक्ष्य। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ तुम लोगों की यार, तुम मतलब लोगों को इतना हंसाते हो, पर यार जोगिंदर ही मिला था ये रोस्ट मारने के लिए तुम्हें। यार जोगिंदर भाई यही तो मतलब दुनिया का सच ही यही है, घूम के जो तुम चला रहे हो घूम के तुम्हारे भी आना है उल्टा। अरे भाई मेरे ऊपर कुछ ना हंस गए, मैं खुद एक अलग चीज हूँ मार्केट में, सोच लिया करो भाई रोस्ट मारने से पहले। तुम्हें हंसी आई थी ना रोस्ट पे जब तुम चला रहे थे लाइव पे? मेरे को हंसी किसी ने आई, मेरे को वीडियो भाई लक्ष्य आपकी वीडियो देखी थी, क्योंकि आपकी वीडियो ऊपर आ रही थी और लोग टैग कर रहे थे मेरे को काफी, मैंने तभी की तभी रिप्लाई कर दिया भाई, गुस्सा तो इतना आया माँ के क्या बताऊं यार, देश में क्या चल रहा है, तुम आपस में ऐसी चीजें करते हो यार, थोड़ा सोच समझ के रोस्ट मार लिया करो। देख यार मैं ये नहीं बोल रहा कि लक्ष्य को मैं नहीं जानता, काफी टाइम से देखता था वीडियो भाई, बहुत अच्छा लगता था, बट यार जोगिंदर को रोस्ट मार दिया तब सिस्टम समझ में आया, यार परमिशन नहीं लेते किसी से। अच्छा जोगिंदर भाई तुमसे परमिशन लेते तुम मना कर देते क्या? भाई मैं रोस्ट करने नहीं देता भाई, फन वाली बात ना, जितने भी ये छपरी यूट्यूबर अब आ गए ना रोस्ट मारने के लिए, अगर ये भाई की लाइव में देख रहे हो कान खोल के सुन लिया, रोस्ट मत मार दिया इस बार, वरना बवंडर आएगा मार्केट के अंदर। पर गलती तेरी भाई इतनी है कि तूने रोस्ट मारा है विदाउट परमिशन के, ठीक है, इसलिए भाई हेट पैदा हो गई दिल में। तुम हो छपरी यूट्यूबर, तुम्हारी क्या कहूँ यार। देन गाइस ये सब हो जाने के बाद सम्राट भाई का जो वीडियो आया था आप लोग मैंने बोला था, तो उधर ही यार सम्राट भाई ने बताया कि थारा भाई जोगिंदर ने बेसिकली डोनेशन के नाम पे 2 करोड़ का स्कैम कर दिया। तो मैं अभी कुछ नहीं बताने वाला हूँ, सम्राट भाई का जो वीडियो आया था उसके मैं छोटा सा कुछ पार्ट आप लोग प्ले करके दिखा देता हूँ, देन आप लोग को क्लियरली पता चल जाए तो देख सकते हो। बीमारी हुई थी जिसमें उसके इलाज के लिए एक इंजेक्शन की जरूरत थी जिसकी कीमत थी 18 करोड़। उस बच्चे के इलाज के लिए उसके पापा एक फंड रेस कर रहे थे, या फिर बोला जाए तो क्राउड फंडिंग कर रहे थे, और ये क्राउड फंडिंग चली रही थी तभी वहां पर पहुंचते हैं कमल तनवर नाम के भाई, सॉरी अगर मैं आपका नाम गलत ले रहा हूं। तो भाई ये जो तनवर भाई है ये वहां पर पहुंचते हैं और उस बच्चे के साथ एक लाइव करते हैं और लोगों को बताते हैं कि आप आगे आए डोनेट करो इसकी हेल्प करें। उसके कुछ दिन बाद वहां पर एंट्री होती है हमारे थारा भाई जोगिंदर की, भाई रुद्राक्ष के घर पे जाते हैं और वहां पर चिल्ला चिल्ला के अपनी छाती
की ठोक ठोक के लोगों को बताते हैं कि आओ भाई डोनेट करो। और वहां पर जब थाराबाई जो के अंदर अपनी छाती पीट रहा था तो वो क्रिंज नहीं लग रही थी, थोड़ी सी इमोशनल लग रही थी वो चीज, जिसके चक्कर में वो वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो जाती है, जिसको फेसबुक पे 30-40 मिलियन लोगों ने देखा होता है। अब होता यह कि ये मैटर काफी ज्यादा वायरल हो जाता है और इसी बीच एक एनजीओ आता है अमेरिका बेस्ड, जो ये अनाउंस करता है कि बच्चे के इलाज में जितना भी खर्चा लगेगा वो सारा का सारा खर्चा हमारा एनजीओ उठाएगा, यानी कि जो अमेरिका बेस्ड एनजीओ वो उठाएगा। अब जैसे ये बात पब्लिक में आती है, पब्लिक चढ़ जाती है थाराबाई जोगिंदर पे कि बता भैया जो हमने पैसा डोनेट किया था वो कहां है, क्योंकि ये जो खर्चा है वो तो अब एनजीओ उठा रहा है। तो उस पर हमारे थाराबाई जोगिंदर के 2-3 वीडियोस आते हैं, कुछ वीडियोस इस तरीके के थे। कुछ भाई कह रहा है जोगिंदर तू 2.5 करोड़ रुपए का स्कैम कर गया, 2.5 करोड़ रुपए खा गया। अरे भाई मैं क्यों खा गया 2.5 करोड़ रुपए, आप लोग मेरे को एक बात बताओ। खैर जब मुद्दा काफी ज्यादा गर्म होने लगा, लोग हद से ज्यादा जोगिंदर को टारगेट करने लगे, उसे गालियां बकने लगे या बोला जाए सिंपल भाषा में अपना पैसा मांगने लगे, तब जोगिंदर भाई ने एक स्टेप लिया। उन्होंने अपने घर में कमल तंवर को, जिनने पहली वीडियो बनाई थी, ये भाई कमल तंवर भाई एक बार आप बोल दो, रुद्राक्ष के कोई रिश्तेदार को क्लियरली मुझे भी समझ में नहीं आया ताऊ जी थे या चाचा, कि ये बैठे हमारे बड़े भाई परवीन भाई, रुद्राक्ष बेटा के ताऊ जी, और साथ ही साथ 20-25 लोगों को अपने घर में बुलाया। खाली कमल और भाई नहीं है, आप देख सकते हो कितने सारे भाई बैठे हुए हैं पर। मेरे गवार भाई जोगिंदर, सोशल मीडिया पर फैक्ट्स की बात होती है, तेरे गाँव की पंचायत नहीं की 4 लोग बैठे और फैसला सुना दिया, या पैसा खाओगे तो गाली भी पड़ेगी, अगर तुम्हें जस्टिफिकेशन देना तो फैक्ट्स के साथ दो ना, ये क्या होता है। पूरी पंचायत ने चेक किया है, तेरे से अच्छे जस्टिफिकेशन तो दीपक कलाल दे लेता है। बिजली इतने हुए अभी तक, तो इसके ऊपर आप लोगों का क्या ओपिनियन है थाराबाई जोगिंदर के ऊपर, कमेंट बॉक्स आप लोग पता है ओपन रहता, उधर जगह बता देना। तो चले दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबू जी बने, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।